आओ हम सब राष्ट्र की मजबूती और शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले अपना देश तब हम सब सोचें, और इसके लिए हम सभी को जीवन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, तुम कौन हो? अच्छा सुनो, तुम कौन हो? खामोश पहरी। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अपनी एक नई देन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की एक नई देन, भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई देन, खामोश प्रहरी। हमारे देश की सीमा में इनका उपयोग होगा और ये खामोश प्रहरी रोबोट के रूप में कार्य करेंगे और बहुत ही कम समय में ऐसी सूचनाएं देने में लगे रहेंगे जो हमारी सीमा की रक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। कोई भी इस तरह की सूचना जो हमारी रक्षा के लिए आवश्यक है, सिग्नल के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, जिसको प्राप्त करके हमारे भारतीय सैनिक अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं उसके लिए मुस्तैद रहेंगे। चौकसी बढ़ेगी, निगरानी बढ़ेगी, सर्वेलेंस बढ़ेगा, हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी, हमारी वैज्ञानिकों का योगदान बढ़ेगा, हमारे देश का नाम होगा, हमारे देश की मातृभूमि का नाम होगा, हमारे तिरंगे का नाम होगा, हमारे युवा पीढ़ी का नाम होगा। मजबूत करने में लगे हुए हैं, वास्तव में उनको हमारा सलूट, और साथ ही साथ हमारे देशवासियों की तरफ से इस खामोश प्रहरी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाइयां कि वास्तव में इसके आने से अब खामोश प्रहरी की तरह कार्य करके हम सब लोगों को इतना सशक्त बनाएगा कि वास्तव में भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही बड़ी उसको जो है एक जिम्मेदारी का कार्य जो उसको सौंपा जा रहा है, खामोश प्रहरी को बड़े ही बखूबी से निभाएगा और देश की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हरदम सजग, सतर्क और हरदम खड़ा रहेगा। ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। राजेश गुप्ता, ACCM, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।